मंजूर है कि नहीं? देवी जी, मैं खुद अपनी कमाई, मैं खुद अपने भोजन के लिए तरस रहा हूँ, मैं तुम्हारी सेवा परवरिश कैसे कर सकता हूँ? देवी जी, मैं बहुत मजबूर हूँ। देवी जी, मैं आपसे प्यार नहीं कर सकता। देवी जी, तुम मुझसे प्यार नहीं कर सकते? जी हाँ देवी, दोनों जन आपसे और कुछ कहना चाहते, दोनों जने प्यार करता है। सुन लिया, जेके जेके वीडियोग्राफी ये अमेठी वाले तुहका दोनों जने का कार्यक्रम ध्यान अमेठी में बधवाओ सारे कंचो दऊ। देवी जी सुनो, मैं आपसे और कुछ कहना चाहती हूँ। क्या कहना चाहती हूँ देवी जी? तो रंजीत मेरी बुझा दो मेरे राजा जी, जाने से दूंगी तुम पर सही रंजीत। अगर तुम आज मेरा प्यार स्वीकार नहीं करोगे तो मैं आज तुम्हारे प्यार में अपनी जान दे दूंगी। बिल्कुल, इसकी बात को सुन करके तोहरो दिल पिघल जाता है। मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ इससे यार। बिल्कुल भैया, हमारे सारे छोड़, हमारे गुदी गुदी लागत है सारे। तो खा के कहता जुगाल लाग गए सारे। ये बताओ, मैं तुमसे बहुत प्यार कर, आई लव यू मेरे राजा। यही खान महू अंधार हो जाए तो हमारा जुगाल लागत तेरी भार। मैं तुमसे देवी जी आप ही का सहारा है। ये ऑनलाइन के हमारा जुगाल न लागे। ए गोकुल, रंजीत, हाँ हाँ सुन पहले। हाँ, मैं आंखों से अंधा जरूर हूँ। हाँ हाँ, लेकिन यार जैसे तेरे दिल में तमन्ना है, हाँ हाँ, वैसे मेरे दिल भी तमन्ना है। लिया भा भगवान के तो हाथ चले साले रोहन लिखा जाओ तो रोहन। रंजीत ये बताओ, अभी आपने कहा आप अपने दोनों आंखों से अंधे हैं। तेरे जी बस इसी कारण से मजबूर हूँ। आपको दिखाई नहीं देता? नहीं दिखाई, मैं अंधा रहा हूँ, काम चलाऊ सरकारी है। रंजीत मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, जरा हमारे पास आओ। चलो कोई बात नहीं है, आप चलो मेरे घर, मैं आपको खाना भी खिलाऊंगी पहनने के लिए। हो मैं कह रही हूँ, तुम क्या कह रही हो मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। मतलब तुमको सुनाई कम दे रहा है। जी हाँ, दूर रहती हो तुम। जा तुम्हारे कान में फूट निकाल दी। तो
तोरे बीच में बोलबे न करे तो है मौसम मना हमारा मौसम नहीं मना। ऐसा लगता है तुम्हें भूख भी बहुत जोरों से लगी है और तुमको ठंड भी बहुत जोरों से लग रही है। ऐसा करो तुम चलो मेरे घर। सुनो मैं कुछ कहना चाहता हूँ। पहले सुनो रणजीत। पहले मेरी बात सुन नहीं रहे हो आप। कहना क्या चाह रही हूँ? मेरे घर चलो मैं आपको खाना खिलाऊंगी। तेरे प्यार में मैं मर जाऊंगा। पुरस्कार करते हैं भैया को हार्दिक स्वागत। टिकट ले लो नहीं मौका नहीं पाओगे। एक भगवान आँखी नहीं दे भाई एक बढ़िया भाई एक जुगान लागा है। तू जल्दी पीछे जल्दी बोलना ना कराया बल्ला पागल कहीं का फिल्म फिल्म चल रही फिल्म फिल्म हाँ। कहाँ पर देखा? हमें ना भुलाना साजन ये बात हाँ। कहाँ पर देखा तूने? एक आई एक आई चप पागल कहीं का बात है।
आपका सब शोरगुल हो रहा है। शोरगुल जी लोग हमें तुम्हें देख करके बहुत खुश है। अच्छा ये बात क्योंकि मैं बहुत इज्जतदार ठकुराइन हूँ। ये तो बात सच है। कोई बात नहीं ठीक ठीक आइए बैठिए। मौसम सुहाना है बाजार के पवन धरती से मेरी भैंस सिर में लेके क्या रुपए का नमस्कार भैया को नमस्कार। आज बात क्या है कि तू बहुत खुश नजर आ रही हो। जी हाँ भैया बात ही ऐसी कुछ ऐसी है। बात ऐसी कैसी है बोलो बोलो ना मेरी बहन। अरे बोल 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 बोला बोला शर्माना प्राणनाथ बोलो मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रहा है। गड़बड़ क्या गड़बड़ ये लग रहा है तुम्हारी बात मेरी समझ में नहीं आ रही है। तुम कहना क्या चाहती हो। तुम्हारी बहन जो है ना जी सपना सपना और ये किसी को बना करके लाई है अपना। किसको बना कर लाई है। तुम तो ही मजाक करती रही तू हमेशा। मजाक कर रही हूँ जी हाँ। अरे मैं तुम्हारी पत्नी हूँ मजाक नहीं कर रही हूँ। ये तो बात सच है तुम मजाक नहीं करोगी। उसे पूछो मेरी बात सुनो। ये तो वही रंजितवा है वही है ना। हाँ ये तो रंजितवा है। अपनी बहन से पूछो किसको यहाँ क्यों लेकर के आई है। बहुत अच्छे पूछो जल्दी पूछो। तुम कहने के मुताबिक काम सही बता रही हो। जल्दी पूछो जल्दी पूछो। सपना 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 या अपना ये बताओ ये तुम्हारे साथ में कौन है। भैया इनका नाम रंजीत है। रंजीत है जी हाँ। ये तेरे साथ में कैसे आया। भैया मैं इनसे बहुत प्रेम करती हूँ। दिक्कत किया ना। अब हमार बात सुनाया तो सभी अपनियों का बता दे रहा हूँ। हमार बात सुनाया हम तो कहा थे हम बहुत इज्जतदार ठकुराइन ये तो हाँ बहिन यही बतावा दे। सही है बतावा ले हो रहा भूजत रहा है। सारी इज्जत तुम्हारी बेकार कर दी। बेकार हो गई इज्जत क्या रे। बस आ देखा वाह जैसे चुंबक चक्की है। अलग कर दे इन दोनों को अलग कर। भैया पहले ये बताओ आखिर बात में क्या है। बात क्या है जो आप मुझे इतने बेरहमी से मार रहे हैं। बात ये है कि इस हरामजादे को क्यों तो अपने साथ लेकर आई। भान ये मेरा सब दिन का दुश्मन है। भैया ठकुराइन के समझाओ दिया समझाओ दिया। सही है सही है। ए सपना भाभी मेरी बात सुन। देख भगवती गाड़ा आंधा खुदाई बा तू का कमाए के खवाए कैसे। जनबे कर हम बहुत इज्जतदार ठकुराइन। हाँ 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 भाभी अगर भैया इनकी इलाज कराएंगे तो इनकी आंखें ठीक हो जाएंगी भाभी। इनका इलाजो करो बू तू। हाँ हाँ भाभी हमार बात माना तो तू का दूसर अब कर दे का तू का दूसर वो हो दे मन से दू। हाँ मर्द 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 दूसरा लड़का हेर दे ब्याह हो अच्छे घरे जाबू। हाँ करे अंधरे के साथ राबू भगवती गाड़े के कंचे माना दो भैया जा यहाँ से। नहीं भाभी मैं उनको कभी कुछ कह नहीं सकता भाभी। ये मेला मेरा पहला प्यार है। ओ मैं इनको कभी छोड़ नहीं सकती हूँ भाभी। मैं छोड़ कर इनको कभी जाऊंगी नहीं। इनसे बहुत प्यार करती हूँ भाभी। क्या रे मैं अपने कानों से क्या सुन रहा हूँ कि तू संधि से प्यार करती है। भैया
ये मेला मेरा पहला प्यार है। पहला प्यार है, पहला प्यार है। हाँ अबे पहला प्यार है, द्वितीय प्यार और गैस चलावा काम ए गोकुल ओ या भगवती गाले ई बता मुनीम जी कहा है। मुनीमो जी कदो पता बा ए मुनीम भैया, लेकिन इनकर बहन जो अनुबा सपनवा सपना केहू को बनाए के लेके आई बा अपन ए अरे अब भाई दा किया फोटो सार कंचो दो देखो पहले भाभी सपना है ये। आप कहना क्या चाहती हैं भाभी? हटा हटा नहीं, वीडियो चालू है जे के वाला कर रे हराम दादी सपना तुझे यही मिला। अगर सच पढ़ के बता कि मैंने तेरे प्यार में ऐसी कौन सी कमी कर दी सपना कि तू नहीं संधे से प्यार करना शुरू कर दिया। भैया आपने कोई मेरे प्यार में कमी नहीं किया भैया। हाँ जल्दी बताओ। लेकिन हमने भी आपके प्यार में कोई कमी नहीं की। ओहो गारी ना समझा ना मजाक समझा। सही है। इनका हेरे ग्रहण मन से तो बढ़िया हेरे होती। हाँ बहन यही ये आंधर मिला हा कि रब ने बनाया तुझे, कि रब ने बनाया तुझे, ये आया सारे काम छोड़ा जमींदार की बहनिया से प्यार करता है। ए गोकुल इधर आ रे इधर आ। कि रब ने इधर आ, इन दोनों को लेके जाओ और अलग अलग कमरे में बंद करो। कि रब ने बनाया तुझे मेरे लिए मुझे मेरे लिए का बोली। अरे तू का तो खुशी हो क्या ही? का बहनिया मन
मैं सब बाजा बजावत फिर कहा दिया है कि हम ना जाओ रे हरे राम हो कितना बड़ा चुम्बू का है एक हीच दिया अपने मुंह का ए भैया ले चुम्बू खींचता है हटा था यहां से बताओ ए ढाई तू खड़ा है ए ढाई खड़ा ए ढाई पार होता है कहना चाहता है चलो सबसे पहले इसको मौत के घाट में लाया जाए क्योंकि ये हराम दादी मेरे जीवन का काल बन चुकी है आओ ना यानी कि वो तुम्हारी लाइन काटेंगे तुम उनकी लाइन काट दो उनके लाइन काट दे अपनी मेहरारू लायक ना रही हैं चल कोई बात नहीं देख तो जानता है कि मैं बहुत इज्जतदार ठाकुराई हूं बताओ तू इज्जतदार ठाकुराई लेकिन ये जो सपनवा है ना पता नहीं कैसी बातें कर रही है कंचोदा सारे शक्कर में फंस गए हैं यहाँ की देखभाल करना मैं चल रही हूँ ठीक है काटे का महीना कुकुर मंगल सिंह मंगल सिंह देखो सरदार जी का आने का वक्त हो गया है और उनके स्वागत के लिए हम लोग तैयार हो गए तैयार है बात क्या है आप बहुत खुश नजर आ रहे हैं बेटी आज मैं तुमको इस लिबास में देखकर मैं बहुत खुश हूँ इसलिए मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ पिताजी आप कहना क्या चाहते हैं सुनिए बेटी मैं क्या कहना चाहता हूँ पिताजी सुनो मैं आपसे भी कुछ कहना चाहती हूँ और बलबीर सिंह का बढ़ रहा अरे बहुत है बलबीर सिंह का बढ़ रहा अरे बहुत भयर प्यार प्यार बलबीर सिंह का बढ़ रहा अरे बहुत भयर प्यार प्यार और चलकर मुन
सिर्फ वो हराम दादा मुनिमुआ है। सबसे पहले हमें तुम्हें मुनीम को खत्म करना होगा। बहुत अच्छा बेटी, चलकर सबसे पहले हराम जाके मुनीम को मार दिया जाए। बहुत अच्छा, बैठो पिता। जान मारे ला ए दुल्हनिया, कहाँ जा पिया हो तू पहाड़िया मा। जान मारे ला हिरनिया के पाल हो, कर जवा मा तान तान के